राजस्थान की नंबर वन डिफेंस एकेडमी से ऑनलाइन फिजिकल तैयारी करने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें रिम डिफेंस एकेडमी ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिजिकल वाले दिन हर इवेंट में कितना गैप मिलता है, तो ये गैप बेटा कोई निश्चित नहीं होता है, ये वहां के बोर्ड पे डिपेंड करता है। जो बोर्ड जो वहां ले रहा है ना फिजिकल, उस पे डिपेंड करता है कि वो कैसे सारी चीजों को मैनेज करते हैं। अलग अलग ग्रुप, अलग अलग ग्रुप में तीनों इवेंट अलग अलग कराते हैं कि सारे बच्चों को एक साथ ही कराते हैं। अगर लॉन्ग जंप में आपका सबसे लास्ट में नंबर है, तुरंत बाद में अगला इवेंट शुरू हो सकता है, चिन अप शुरू हो सकता है, तो वो चेस्ट नंबर आपको वहां दिए जाएंगे, एक नंबर आपको वहां दिया जाएगा, उस नंबर के अनुसार सबको कराते हैं। वो कैसे व्यवस्था करते हैं ये चीज अभी पता नहीं चलेगी, किसी को नहीं पता होती है कि कितना गैप वहां मिलेगा, बट ये जरूर है कि 10-15 मिनट का गैप तो हर सूरत में मिल ही जाता है, जिसमें आप आराम से कूल डाउन हो सकते हैं। और हर एक इवेंट के टाइम आपको वार्म अप जरूर करना है, चाहे कोई सा भी इवेंट आप कर रहे हो, चाहे लॉन्ग जंप कर रहे हो, चाहे 100 मीटर कर रहे हो, चाहे चिन अप कर रहे हो, उसमें आपको वार्म अप वाली एक्सरसाइज जरूर करनी है। वो कोई आपको बोलेगा नहीं, वो सिर्फ ज्यादा ज्यादा आपको खड़ा रखेंगे या बिठा के रखेंगे, बट आप चाहे बैठे बैठे भी कर सकते हो वार्म अप, खड़े खड़े भी कर सकते हो, जितना मौका मिलेगा ना उसमें वार्म अप हर एक इवेंट से पहले आपको करना है, उसका बहुत फायदा आपको मिलेगा। साथ में जैसे ही कोई सा भी इवेंट आप कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में आपको बैठना नहीं है, उसके बाद में आपको कूल डाउन भी करना है। कई बार ऐसा देखा गया कि 100 मीटर में बच्चे के पैर भर जाते हैं, उसके बाद लॉन्ग जंप करने में प्रॉब्लम आती है, तो वो समस्या इसीलिए आती है कि हम कूल डाउन अपनी बॉडी को अच्छे से नहीं करते हैं, पैरों को अच्छे से रिलैक्स नहीं करते हैं, तो वो तुरंत कर लेना है। कोई सा भी एक इवेंट किया और उसके बाद अपनी पीठ जरूर थपथपा लेना है अपने आप ही कि हाँ मैंने ये इवेंट अच्छा किया। और कोई भी इवेंट अगर कमजोर भी हो जाता है ना, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, उसके आगे दो इवेंट और है। तो हमेशा अपनी प्लानिंग पहले से रखनी है कि मुझे कैसे हर चीज के लिए तैयार रहना है, अभी से सोच सोच के देखना है कि अगर पहले लॉन्ग जंप फार में नहीं कर पाया, फाउल हो गया, कोई बात नहीं, दो इवेंट और है, 40 और 30 70 नंबर और है हमारे पास, या पहले रनिंग हुई वो मैं नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, उसके बाद में दो इवेंट और है। ऐसा अपने मन में पहले से प्लानिंग करके रहिए, पहले चिनअप हो गया और चिनअप आप नहीं लगा पाए, कोई बात नहीं, उसके बाद में मेरी 100 मीटर अच्छी है, मेरा लॉन्ग जंप अच्छा है, फिर मेरे पास 70 नंबर है। तो ऐसे अपने आप को हर परिस्थिति के लिए तैयार रखिए, क्योंकि वो मौका दोस्तों एक बार ही मिलेगा, वो बार बार नहीं मिलेगा, और कितनी मेहनत आपने उसके लिए की है ना, वो जरूर दिमाग में रखिए।